तो एक YouTube में अपडेट आया है, ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको साइड में लगा देता हूँ, वहाँ से आप इसे देख सक दो। तो जो अपडेट आया है, तो यहाँ पर यूट्यूब में क्या अपडेट आया है, जैसे किसी किसी को अभी तक मिल रहा है, किसी किसी को अभी तक नहीं मिल रहा है, तो एक सेटिंग में जाके आप इसे कर सकते हो। तो इसमें है देख सकते हो, जैसे आपको सिलेक्ट क्वालिटी ऑफ द वीडियो, ठीक है, जैसे जो आपका क्वालिटी है, क्वालिटी में आप जैसे देख सकते हो, नॉर्मली देख सकते हो, नहीं तो आपका जो डाटा है आप जैसे सेव करना चाहते हो, नहीं आपको ऑटो करना चाहते हो, कर सकते हो। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो, आप जैसे YouTube में आते हो, आने के बाद आप जैसे कोई भी वीडियो में आप जैसे इस वीडियो को आप देखना चाहते हो, जैसे आपको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको देखोगे ऑटो में क्लिक करोगे तो आपको इसे 30 MB का आपको इसे ख़त्म होगा। उसके बाद आपको हाई पिक्चर या आपको क्वालिटी में करोगे तो आपको 66 MB का आपका ख़त्म होगा। उसके बाद आप जैसे डाटा सेव में क्लिक करोगे तो आपका जैसे 10 MB का जैसे डाटा ख़त्म होगा। तो आपका ऊपर डिपेंड है, हाई क्वालिटी में देखना चाहते हो, ऑटो में देखना चाहते हो, नहीं तो यहाँ से डाटा सेव में करना चाहते हो, तो आपका ऊपर डिपेंड है। तो इसका जैसे ऑफ करना चाहते हो ऑफ भी कर सकते हो, मैं आपको उसका भी मैं आपको सेटिंग के बारे में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना। देखो, मैं ऑटो में सिलेक्ट करूँगी, प्ले करूँगी, प्ले करने के बाद यहाँ पर उसे दोबारा से आऊँगी, दोबारा से क्लोज करूँगी, तो ऑटो में जैसे यहाँ पर वीडियो को चला हुआ है तो आपको 30 MB का जैसे आपको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हाई, जैसे आपको हाई पिक्चर यहाँ क्वालिटी में करोगे तो पूरा HD में आ जाएगा। HD में आने के बाद आपका जो MB है, जैसे आपको 66 MB का आपका जो डाटा है यहाँ ख़त्म हो जाएगा। आप जैसे डाटा सेव में यहाँ प्ले करोगे तो आपको इसे 10 MB का ख़त्म होगा, ठीक है। तो आपका ऊपर डिपेंड है, आप जैसे कितना हाई क्वालिटी में देखना चाहते हो, हाई क्वालिटी में देखना चाहते हो तो आपको हाई क्वालिटी सेलेक्ट करना है, ये आपको हाई क्वालिटी, उसके बाद आपको ऑटो, उसके बाद आपको डाटा सेव। तो आपका ऊपर डिपेंड है, तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में आपका पास है, ठीक है। आप जैसे ऑटो में देखना चाहते हो ऑटो में देख सकते हो, आपको हाई आपको पिक्चर आपको क्वालिटी में देखना चाहते हो तो देख सकते हो, उसके बाद आपको डाटा सेव करके जैसे डाटा आपको सेव करना चाहते हो तो आपको देख सकते, जैसे नीचे वाले आपको सेलेक्ट करना है डाटा सेव। उसके बाद इसको आप उसे शो नहीं करना चाहते हो तो आपको नीचे वाला करके, उसके बाद आपको वीडियो में क्लिक करोगे तो आप उसे कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूँगी तो आपको हो जाएगा, दोबारा से मैं आऊँगी तो दोबारा से आपको और बार आपको नहीं आएगा। तो इसमें से एक बार डॉट आपको क्लिक करोगे तो मैं एक बार सेटिंग को ओपन करोगे तो इसको आप जैसे एनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी आपको कर सकते हो। सेटिंग में आने के बाद वीडियो क्वालिटी में आओ, सॉरी, जैसे आपको यहाँ को डाटा सेव में आओगे तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ को डाटा यहाँ को कुछ कंट्रोल का, ठीक है। आओगे दोबारा से आपको वीडियो में क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा एक ऑप्शन आएगा। इसमें क्यों जैसे यूट्यूब में लाया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो आपका डाटा है, डाटा को जैसे सेव करने के लिए आपको ला रहा है। जैसे आप हाई क्वालिटी में देखना चाहते हो तो आपका जो डाटा है आपको जल्दी आपको ख़त्म हो जाता है। आप जैसे लो क्वालिटी में देखोगे तो आपका जो डाटा है आपको धीरे धीरे आपको ख़त्म होगा। तो इसलिए आपका जो डाटा है, डाटा सेव करने के लिए आपको ला रहा है, ठीक है। जैसे आप इसमें जैसे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा अपडेट को किया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप आपका ऊपर डिपेंड है। आप इसे हाई क्वालिटी में देखना चाहते हो, हाई क्वालिटी में देखोगे तो आपका जैसे डाटा इतना ख़त्म होगा, पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। आप जैसे जैसे डाटा सेव क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पर डाटा सेव क्लिक कर सकते हो, आपका ऊपर डिपेंड है। जैसे आपको यूट्यूब आपका ऊपर डिपेंड दे रहा है, ठीक है। जैसे आपका जो डाटा है, डाटा को कितना जल्दी आपको ख़त्म करना चाहते हो, नहीं तो आपको बचाना चाहते हो, तो आपका ऊपर डिपेंड है। तो वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल को।